गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मुझे देखिए, बाहर आज जाना था मार्केट में, तो मैं जिस शॉप में मुझे जाना था मैं वहाँ पहुँच चुकी थी। यहाँ मुझे कुछ लेना था। अरे इतना इरिटेशन हो गया तो बाबू, हम नहीं थे घर में, तुमको डर लग रहा था क्या? डर नहीं लग रहा था? हम तो मार्केट गए थे, क्योंकि हम घर में थे ही नहीं। कहाँ था? आंटी घर में है। आ जाके क्या बोला आंटी को? आंटी को मम्मी घर में नहीं है। देखिए मेरा बेटा कितना ब्रेव है, इसको सब कुछ समझ में आता है कि कब क्या डिसीजन लेना है। हम घर में नहीं थे, ये आ चुका था स्कूल से और जाके आंटी के यहाँ बैठा, पानी वगैरह पिया। नहीं क्या आंटी है। जाओ फटाफट चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। हम खाना भी नहीं बनाए हैं बेटा। अब हम देखो, लाइट भी कट गया है। इतना धूप है ना बाहर में। बहुत धूप, बहुत 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 धूप, बहुत 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 धूप। जा चेंज करो, जा जा जा। हाँ तो हम लोग फाइनली मार्केट से घर आ गए हैं। जो मुझे काम था वो भी हो गया है। बाबू भी आ गया था, तो बाबू था सेकंड फ्लोर में जाके बैठता है, वही सिद्धि के यहाँ जो इसकी फ्रेंड है उसके यहाँ जाके बैठता है जब मैं नहीं रहती घर में। तो वो लोग बहुत कोऑपरेटेबल है, टेंशन नहीं होता है। मैं बिना बोले भी चली जाती हूँ तो बच्चे सेफ हो जाते हैं आने के बाद स्कूल से। ऐसा नहीं कि मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरे बच्चे बाहर रहेंगे, ऐसा नहीं होता। बट वो लोग प्रेजेंट में होना चाहिए तब। तो मैं जैसे मार्केट से आई, आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं खाना बना के मॉर्निंग में नहीं निकली थी, बस नाश्ता वगैरह करके चली गई थी नहाने के बाद, क्योंकि धूप काफ़ी बढ़ रहा था और मुझे जाना भी ज़रूरी था। तो मैं चली गई थी और बाबू भी मतलब कुछ देर में आने ही वाला था, तो मैं जल्दी जल्दी से गई मार्केट। डायरी अभी नहीं, नहीं वो तो स्कूल से ही मिलेगा। मार्केट से आने के बाद मैं ये किचन में गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का चढ़ गया था हड़बड़ी, क्योंकि बाबू मेरा स्कूल से आ चुका था और बच्चे जैसे सुबह हड़बड़ी में जाते हैं तो खाना वगैरह तो जैसे तैसे हो जाता है। लेकिन आज मैंने लेट किया तो मेरा लेट ही हो रहा था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए लग गई थी। और आज मैं बना रही हूँ सब्जी में कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल को मैंने सुबह 6 बजे क्या है कि कुकर में थोड़ा सा 2 सीटी लगाने के बाद ही मैं पैन चढ़ाती हूँ और उसमें तेल वगैरह मसाले वगैरह में फ्राई करके फिर डालूँगी कटहल को। को मैंने 2 सीटी लगाकर उसको उबाल लिया है नमक पानी के साथ। और इधर मैं पैन में प्याज टमाटर ये सब पहले फ्राई करूँगी, फिर उसमें मसाले वगैरह मैं डालूँगी। जैसे कि देख रहे हैं आप कि मैंने नमक डाला
और मिक्स मसाला मेरे पास रहता है जिसमें साबुत धनिया है मिर्ची सबका मैं पाउडर बना करके रखती हूँ, मैं उसी को ऐड करती हूँ। और कोई विशेष मसाले मैं सब्जियों में नहीं डालती, बट मेरा सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। जीरा पाउडर का मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभी। और ये मैंने कढ़ाई में कटहल को छोड़ दिया है तेल में, और मैं पहले इसको बढ़िया से फ्राई करूँगी और ढक ढक के फिर इसको पकाऊँगी ताकि मसाले अंदर तक बढ़िया से चल जाता है। तो मेरे सब्जी का लुक आप देख सकते हैं कि मटन फ्राई से कुछ कम नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये उसके पापा का उस टाइम कॉल आया हुआ था, वीडियो कॉलिंग पे हम लोग बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना पीना बन चुका है। जो आज का मेरा मेन्यू था मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें कटहल की सब्जी बन के रेडी है, इसमें आलू का चोखा मेरे बाबू के लिए, और इसमें चावल दाल। तो मेरा ये था आज का रूटीन लंच का, मॉर्निंग से लेकर दोपहर लंच तक का। और मैं आज गई थी बाहर, तो मैं साथ ही साथ मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट मुझे वो नेसेसरी था, बस इसी वजह से मैं चली गई। और देखिए आप सब कि मैं क्या लाई हूँ, मार्केट गई थी। तो आप प्लीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको, एक मिनट में बैक कैमरा कर लेती हूँ। आ जाओ। तो देखिए कोमल भी आ चुकी है, कोमल नानी आ चुकी है, कैमरा थोड़ा, कोमल कुमारी आ चुकी है। देखो ये वाला लाए, देखिए ये इसको कुर्ती या प्लाजो पैंट ऐसा कुछ बना सकते हैं। और मात्र ये सिर्फ इतना ही सा था जिसमें या तो एक कुर्ती या एक प्लाजो पैंट इतना ही आ सकता है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट शॉपकीपर ने मुझे चीफ एंड बेस्ट में दे दिया है, तो मैंने इसको ख़रीद लिया है। अब मैं देखती हूँ कि इसको क्या बनाती हूँ, या तो मैं इसका पैंट प्लाजो बनाऊँगी या अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, बस मैंने मुझे मिला और ये मैं ले कर आ गई हूँ। बहुत इसका खूबसूरत डिज़ाइन है, ये बॉर्डर से बना हुआ, तो मुझे इसका जो ये जो ऐसे से बना हुआ तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने ले लिया है। बेटी ने भी कहा कि मम्मा ले लो, तो मैंने ले लिया है। और बहुत चीप एंड बेस्ट में मिला, इस वजह से इसकी मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, मुझे ज़रूरत थी इस कपड़े की। ये है एक सलवार का कपड़ा जो मार्केट से मैं लाई हूँ। मेरे पास रेड सलवार नहीं था, तो मुझे कोई कोई ड्रेस में महसूस होता था कि अगर इसकी में अगर रेड हो जाता तो अच्छा था, तो मैंने ये रेड कपड़ा ली हूँ। अब मैं देखती हूँ कि इसको मैं कब तक रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही सिलना रहता है, मैं बाहर नहीं देती, टेलर को मैं नहीं देती, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम इधर उधर अपना करके मैनेज में कर लूँगी, इसको बना लूँगी। अब एक दिन बनेगा मैं आपको कम्प्लीट लुक इसका दिखाऊँगी। ऐसे तो मेरा इसका कोई टेक्निकल ये चैनल वगैरह ऐसा नहीं है जो मैं इसको बनाऊँ आपको दिखाऊँ, बस मैं ब्लॉगिंग के दौरान में ही थोड़ा बहुत मैं आपको इसको दिखा सकती हूँ। ये 3 मीटर कपड़ा है, इसका अरज कम है, इस वजह से मैंने 3 मीटर लिया है। इसका अगर यदि 40x40 का ये रहता तो फिर इसको मैं कर नहीं देती। तो ये था मेरा आज का ब्लॉगिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आ रही हो तो। थैंक यू।